चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परसाहिरा छाड़ के करे आन किया ते नर दो जख जाएंगे तो सतबा के रविदार। ऐसा चाहूं राज में जा मिले सभी छोट बड़ सब सम रहे रविदास रहे परसन। नमस्कार दोस्तों, जय जान टीवी में आपका हार्दिक स्वागत है। जय जान टीवी को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन दबाइए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का आपको सूचना मिल सके। और ये बिल्कुल फ्री होता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता। तो दोस्तों बने रहिएगा जय जान टीवी के साथ और इन्जॉय कीजिए जय जान टीवी की आने वाली सभी नई वीडियो का, और सभी वीडियो को देखते रहिए लगातार जय जान टीवी के साथ। बुझ गई जन्म जन्म की प्यार, जन्म मरण बंधन कटे संत हास श्री सतगुरुदेव महाराज जी के परम पावन चरणों में कोटि वंदना। मंच आसीन समस्त संत ब्रह्मजन के चरणों में कोटि कोटि वंदना। उपस्थित गुरु समान साथ संगत जीओ, मातृशक्तियों, सत्संग विद्यासों को साधु हुआ। यह बड़ी आचार्य जी की अनुकंपा है कि दास को अपने आश्रम में जहाँ गुरु रविदास जी का पूर्ण प्रकाश प्रदर्शित होता है वहां पर सेवा करने का अवसर प्रदान कराते हैं। सेवक सर्व दिशा से हीन और अयोग्य होते हुए भी सेवक को मान देते हैं। गुरु सर्वानुसार संगति हो, गुरुदेव की वाणी एक ऐसा समुद्र है क्षीर में भी सार रूपी ग्रंथ उपस्थित है, लेकिन ये वह समुद्र है जहां पर सार ही सार है। कोई ऐसी स्थिति नहीं जहां छाछ की अनुभूति होगी। आप कहीं से भी उनका जीवन दर्शन, उनकी ज्ञान रश्मियां, उनके ज्ञान स्रोत का जहां से भी आप अंगन्यास करेंगे, उनका स्पर्श करेंगे, आपको अमृत ही अमृत का दर्शन होगा। अमृत कि अमृत की अनुभूति होगी। अमृत इस सत्संग की महान गंगा में जो देव या शास्त्रोनुभूत अमृत की परिभाषा बताई है, वह परिभाषा
मृत्यु को जीवन दाना, जो करती है तो मृत्यु को जो अमृत करती है, जीवंत करती है, उस साधन को अमृत कहा गया है। लेकिन ये वह अमृत है जहां पर आपकी जन्म मरण के दोष ही खत्म हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। वहां आना नहीं पड़ता, जाना नहीं पड़ता। ये दुख सृष्टि का भाग नहीं पड़ता, बनना पड़ता। वरना न जाने कब से अगर जीवन दर्शन को देखेंगे तो आप जब से उपस्थित हैं, जब से चंद्रो दिवाकर, अंतर इतना है कि हमें अपने पश्चिम भूत और भविष्य का ज्ञान नहीं। इसलिए इस एक जीवन के एक अंश में जो भी हम अनुभूत कर रहे हैं वह हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम इसका गुरुदेव कृपा से ज्ञान हो जाए, हम त्रिकाल में प्रवेश करने की क्षमता रखें, तो महसूस होगा जो भी हम आज कर रहे हैं उसमें कुछ नवीन नहीं है, कुछ नया नहीं है। आप नित्य हैं, लेकिन गुरु कृपा प्राप्त न होने के कारण हमें अनित्य दिखता है। आते हैं जाते हैं, जबकि सत्य अखंड है, अनंत है, सम है, जिसमें इतने गुण हैं, जो शाश्वत है, उसी का आप यहां पर संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। उसी का आप यहां पर संग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसलिए यहां पर मन के द्वारा आपको आत्म मंथन करना पड़ेगा। उस अमृत प्राप्त करने के लिए मन का मंथन नहीं करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा। मन का रंजन नहीं करना पड़ेगा, आत्म रंजन करना पड़ेगा। चैतन्य विधीयते, चैतन्य के अंदर प्रवेश करने के लिए आपको सत्य का संग करना पड़ेगा। अभी कुछ समय पहले, परसों की बात है, सत्संग हो रहा था। सत्संग का विषय इसी प्रकार था, मन ये वो निर्मल श्वेत वस्त्र, वर्ण रूपी वस्त्र है। मन वो श्वेत वर्ण रूपी वस्त्र है जिसको जिस रंग में आप डुबो दे उस पर वही रंग चढ़ जाता। आपकी कोई स्वपरिभाषा नहीं है चैतन्य के अंदर। अगर कर्म प्रारब्ध के अनुरूप देखते हैं तो कभी यह पापात्मा बन जाता है, कभी यह पुण्य आत्मा बन जाता है, कभी धर्म आत्मा बन जाता है, कभी महान आत्मा बन जाता है। तो निश्चित यह हुआ, यह जीव जो कर्म प्रारब्ध के अनुरूप कर्म करता है, इस पर वही आवरण चढ़कर उसकी अनुभूति प्रदर्शित करता है और उसमें लय हो जाता है। अब ये हमें निश्चय करना है कि हमें कौन सा रंग इस वस्त्र पर चढ़ाना है। इसके अंतर्गत भी एक मैंने श्वेत वर्ण, निर्मल, सपीहल गुरुदेव ने भी कहा है। आप श्वेत रेशमी मलमल के वर्ण स्वरूप हैं और मैं मैला कुचेला। संगत ऐसे मिल रही है माधो जैसे मधु तुम्हें कीड़ा।
उस संगत को लेने आया हूं जो मधु के समान है। तो ये हमें निश्चित करना पड़ेगा कि हमें इसमें सुनहरा वर्ण चाहिए या रजत वर्ण चाहिए या पित्त वर्ण चाहिए या श्याम वर्ण चाहिए या नील वर्ण चाहिए या तेज वर्ण चाहिए या हरित वर्ण चाहिए। कौन वर्ण चाहते हैं हम? आपके संग की एक ही परिभाषा है, वो है आत्मरंजन, आत्मधर्म, जिसे हम सद्मानव धर्म भी बोलते हैं। जो धर्म भेदभाव सिखाता हो, जो धर्म ऊंच नीच का ज्ञान सिखाता हो, जो धर्म असमानता लाता हो, वो संत दृष्टि में धर्म होता ही नहीं। धर्म वह है जहां समता हो, निर्मलता हो, शाश्वतता हो, शुद्ध प्रकाश विमल प्रकाश हो, सद्भाव हो, सदाचार हो, सद्व्यवहार हो, सत्य ध्यान हो, सत चित्त हो, सत्य धारणा हो, सत कर्म हो और सत फल हो। जिसमें ये अनुभूतियां नहीं है, वो ना संग आपको तरण धारण कर सकता है, ना वो ज्ञान तरण धारण कर सकता है। आपकी वो पिपाशा जो गुरुदेव ने कहा है कि एक बूंद ते बुझ गई जन्म जन्म की प्यास, ये अतियोक्ति, ये मूल सिद्धांत आपका सत्य साहित्य स्थापित नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु के चरण में जाकर अपनी इस मैली चादर को हम निर्मल, शुद्ध, सपीहल, मखमली, रेशमी, सर्द पूर्णिमा की चंद्र प्रभा की भांति अपने अंतकरण को करें, उसमें ऐसा प्रकाश लाएं जिसमें किंचित कहीं किसी विषय दोष की छाया भी ना हो। गुरुजनों ने कहा है, ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान, शीश दिए से गुरु मिले तो भी सस्ता। अगर एक जन्म में हमें सदगुरु की सानिध्यता भी प्राप्त हो जाए तो सिद्धांत वही लगेगा। श्री गुरुम परमानंदम वंदे स्वानंद मित्रम, मैं उन श्री गुरुदेव की शरण में उनकी वंदना करता हूं जो स्वानंद और परिपूर्ण आनंद की मूर्ति है, जिनका सानिध्य मात्र ग्रहण कर लेने से यह शाश्वत, यह तन शाश्वत आनंद को प्राप्त हो जाता है। गुरु समान सार संगत जीव, आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। अगर आपको प्राप्त नहीं हो सकता तो समय प्राप्त नहीं हो सकता। जो समय, जो काल आपके जीवन में व्यय हो गया, आज की जो तिथि यह बीत रही है, आप कितना ही प्रयास, कितना ही ऐसा कुछ करें, इस जीवन में ये तिथि, ये रात्रि दोबारा नहीं ला सकते। जो श्वास प्रश्वास आपके अंदर से छूट गया, उसकी गणना अपने जीवन में दोबारा नहीं कर सकते। तो हम उस समय की कीमत की जानकारी करें, उसकी अनुभूति करें, उस जीवन में काल को वृथा ना छोड़ें। जिसने काल को छोड़ दिया, काल आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन समय जो सांस चला गया, जो दिवस आपके जीवन से चला गया, वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए एक एक क्षण प्रति क्षण का आप
आपको अपने जीवन का श्वास प्रति श्वास का बिना गुरु सदगुरु के नाम के बिना वह करना ही नहीं चाहिए। और जो श्वास पर गुरु नाम की मोहर ही ना ला सके लगा सके तो वो सत का संग करने वाला कैसा है। सत्संग वही है जो सत का संग कर रहा हो, जो गुरु के नाम का संग कर रहा हो, जो गुरु के आचरण का प्रतिपालन कर रहा हो, जो उसकी खाने वाली रहने के अंतर्गत अपने को लय कर रहा हो। और हमारी खाने भी गुरु प्रभा से अलग है, हमारी रहने भी गुरु संप्रात से अलग है, हमारी वाणी भी गुरु शिष्टाचार से अलग है और हमारी सहनी भी अलग है। जब खानी वानी रहनी सहनी है गुरु समान नहीं तो फिर हमारा सत्संग कैसा है, इसका विचार कीजिए। अपने जीवन आपके जीवन की एक सातन शाश्वत अनुभूति है कि आप शाश्वत हैं, आप खंड में नहीं है। हो सकता है आपका ये देह लेकिन आपका प्रकाश नहीं। इस प्रकाश की पूर्ण सन्निधि आप अपने अंतर्गत गुरु कृपा से प्राप्त करें। इसलिए संत कहते हैं कहे जात हैं और कहे बजाए ढोल। हमें कोई चिंता नहीं है, अंधेरे में नहीं कह रहे, हम कमरे के अंदर बंद होकर नहीं कह रहे, खुले मंच पर ढोल के नगाड़े के साथ कह रहे हैं कि कहते हैं कहे जाते हैं कहे बजाए ढोल, तीन लोक की संपदा नहीं तेरे एक सांस का। तीन लोक की भी संपदा अगर तेरे एक सांस के वजन में पड़ने में लग जाए तो आपका सांस ही भारी होगा। उसके सामने तीन लोगों की संपदा धन शक्ति समृद्धि बराबरी नहीं कर सकता। अगर आपका सांस पूर्ण हो गया है और आप तीन लोग देने के बाद भी उस एक सांस को लेना चाहे तो काल आपके साथ छूट नहीं करेगा, कर सकता है गुरुदेव कृपा हो तो। काल के मस्तक पग धरें सतगुरु के उपदेश और शरण लगा के ले चलो सतगुरु मुहि अपने। वो शरण में जाते हैं जो गुरु महाराज के उपदेशों को नित्य स्मरण कर वो काल के मस्तक पर भी अपना पैर रख देते हैं। ऐसे ये संत सिद्ध जन उसी प्रवाह में बह रहे हैं और ये खुद नहीं बह रहे, खुद उसमें वास निवास नहीं कर रहे, वो यहां पर आए हैं आपको भी अपने साथ लगाने के लिए। ये यहां पर अनुभूत करा रहे हैं उस ज्ञान का आपको भी अपने साथ रखने के लिए, आपको भी उस ज्ञान में स्नान कराने के लिए। लेकिन मेरी संगति गुरु की संगति से अगर कहीं और लगी है तो मैं इस आनंद को नहीं ले सकता। इसलिए मेरा आग्रह है हम अपने जीवन को शरद पूर्णिमा की भांति, आप देखिएगा एक जगह वर्णन आया है, शरद पूर्णिमा को चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब आ जाता है, बहुत करीब आ जाता है। सिद्ध मत में स्थान है उस दिन विशेष प्रयोजन, गुरुजन कहते हैं कि खीर बनाइए और ऐसे पर्दे से ढककर जिसमें किरणों का आदान प्रदान सीधा हो बाहर रख दो, तो उसकी जो शीतलता का तेज है, शीतलता है किरणों की, शुभ प्रभा है, वो उस द्रव्य में प्रवेश हो जाती है, वो अमृत के समान हो जाता है। उस दिन हमें उस किरणों का अपने ऊपर प्रवाह करना चाहिए जिस प्रकार सूर्य के समक्ष जाने पर उसकी तेज, उसकी ऊष्मा, उसकी ऊर्जा, उसके मिनरल्स जो उसके अंदर तत्व है वो हमारे रोमों के द्वारा हमारे अंत शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और हमको दिव्यमान करते हैं।
लेकिन कब? जब हम सूर्य के समक्ष हों। इसी प्रकार जब खुले मन से आप शत्रुदेव रूपी सूर्य के समक्ष अपनी निर्मल चादर को रख देंगे तो उनकी वाणी, उनकी अनुभूति, उनका स्वानुभूत रूपी परमा संग आपके इस जीवन रूपी चादर को विदिप्यमान कर देगा, ऊर्जामान कर देगा, अमृतमय कर देगा। इसलिए संतों का आह्वान है, अभी महाराज जी कहकर गए थे कि अगर परमेश्वर किसी रूप वो अकाल पुरुष, वो परम पुरुष, वो सनातन पुरुष, वो सत पुरुष, वो शाश्वत पुरुष अगर कहीं पर आपको दर्शन देने के लिए आएगा तो संत रूप में आपको समझ आएगा। उसका शरीर क्या है इस काल में? उसका शरीर क्या है? संत शरीर है। इसीलिए वो सूर्य प्रभा की भांति ये वस्त्र धारण करते हैं। आप देखेंगे ना सूर्य में, सूर्य जब उदय होता है, सनराइज किसी ने देखा होगा? देखो अबू का मंडल में हमारे लोग दास जी जाते हैं, वहां पर तो सनसेट दिखाने के लिए जाते हैं, है? सूर्य अस्त होता हुआ दिखाते हैं अबू मंडल में, उदयपुर साइड में। लेकिन अब अस्त का क्या देखना, उदय का देखिए ना, और उदय के समय उसकी प्रभा देखें सूर्य की, और इनके वस्त्रों को देखें जो सत्यानंद जी महाराज जी ने धारण किए, अनेक वस्त्र संतों ने धारण किए, तो उसमें समता दिखेगी। अर्थात ये रंग वर्ण कहां से आया? सूर्य की तेज प्रभा से आया। तो ये अर्थ है कि वो ज्ञान का पुंज है जिनका सानिध्य ग्रहण करने से यह जीव शाश्वत आनंद को प्राप्त हो जाता है, चिदानंद को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अमृत हम छोड़ना चाहेंगे, लेकिन हम जानते ही नहीं। जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन ऐसे आशिक बन जाएंगे कि एक क्षण के लिए भी, जैसे मासूम को आशिक नहीं छोड़ता है, और आप हजार आदमी हो यहाँ पर, दो व्यक्ति हो, वो अपनी आंखों आंखों में बात कर जाएंगे लेकिन आपको कुछ पता नहीं चलेगा, वो स्टोरी पूरी कर लेंगे। इसी प्रकार गुरु शिष्य का ऐसा आशिक भाव, ये बहुत समर्पण है, ये प्रेम की बात है। वो दो इतनी सस्तियां शीश कटाकर होते हैं सौदे, घर है प्रेम रखन को चाव तो शीश काट हाथ धरी आओ। अगर तुम्हें संतों के प्रति क्षण में जाने का शोक है तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे। दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, और जिस गुल में बू नहीं होती वो गुल बेकार होता है। जिसके अंदर गुण ही नहीं आया, जिसके अंदर प्रकाश ही नहीं आया, जिसके अंदर फ्लेवर नहीं आया, तो उस फूल को कौन चाहेगा? इसलिए मैं ज्यादा वर्णन अपना समय न लेकर के मैं यही कहूंगा कि आप समय का सदुपयोग करें, उनका अधिक से अधिक संग करें, उनकी खानी पानी रहनी को समझें, और समस्त विषयों से मुक्त हो, ऐसा समाज का गठन करें जहां विषयों का कहीं किंचित मात्र स्थान ना हो। आप शाश्वत हो जाएंगे, आप शुद्ध हो जाएंगे, आप निर्मल हो जाएंगे, आप चैतन्य हो जाएंगे, और यही तो हमारा, यही तो सिद्ध करने आए, यही तो हमारा ध्येय है सत्संग के अंदर, या हम उस प्रभाव में प्रभावित हों जो शाश्वत है, चिदानंद है, चैतन्य है। इसी भावना के साथ मेरा सभी को साधुवाद। आशा करूंगा कि आप इसे उपन्यास के पन्ने नहीं समझेंगे, इसे एंटरटेनमेंट का साधन नहीं समझेंगे, इसे आत्मरंजन अनुभूति ग्रहण करने का प्रयास करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, गुरु शरण होकर समर्पण भाव से गुरु भक्ति करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, सभी की शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देकर एक बार सभी को हाथ उठाकर, भाई देखिए सोम सोना शरीर से नहीं है, मन से।
मन से जाग जाओ, तन से सोते रहो, कोई तेज चलेगा। जो एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं ना, उनकी आंख खुली रहती है, स्टीयरिंग चलता रहता है, लेकिन वो गाड़ी चलती रहती है, वो सोते रहते हैं। लेकिन जहां भी थोड़ा सा दिखते हैं, वहां चेतन जो जो तंत्रिका तंत्र है उनके अंदर, जो नर्वस सिस्टम है, वो एकदम एक्शन में आता है और शरीर रिलीफ में है, लेकिन वो अपनी गाड़ी को बचा कर ले जाता है। तो इसी प्रकार अपनी गाड़ी को एक्सीडेंट से बचाए रखिए, कहीं गड्ढे में ना गिर जाए, कहीं अंधेरे में ना गिर जाए, कहीं खाई में ना गिर जाए। और फिर हम रहे या ना रहे गिरने के बाद, इसलिए अपने स्टेयरिंग को बिल्कुल गुरु वे पर, गुरु लेक पर, जो हमारी सड़क है उस पर बिल्कुल सतर्कता के साथ अपनी गाड़ी के पहिए, जीवन की गाड़ी के पहिए चलाते रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को रखता, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों हाथ उठा कर एक बार क्या करें, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए संत शिरोमणि श्री सतगुरुदेव श्री गुरु रविदास महाराज की, बोलिए सर्व संत समाज की। भैया अनंत मूर्ति है, लेकिन आवाज तो मेरी आप सबसे ज्यादा है, कैसे सत्संगी हो गए। तो अमृत का पान करो, जोश लाओ, तुम्हें कोई अरे डरो तो जुआ खेलने से डरो, डरो तो आप अव्याभिचार करने से डरो, डरो तो पाप करने से डरो, और गुरु महाराज जी के नाम लेने से भी झिझक। ये हमारा इसलिए सर, और मैं ये मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला, उच्चारण करो ना, बोले श्री सतगुरुदेव भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद।